सर रीट कब तक बेटा, ये कब तक से छोड़ दीजिए, पहले सीटेट नहीं है, सीटेट की तैयारी कर लो, रीट की तैयारी हो गई, साइकोलॉजी पेडागोजी एनसीईआरटी सब उसमें आ गया सब्जेक्ट, है ना, सीटेट पे क्लियर हो गई, रीट मान लो फरवरी मार्च अप्रैल में कभी भी आ जाए हो जाएगी। सीटेट के बाहर होने पर वैलिडिटी कितनी, आजीवन लाइफ टाइम वैलिडिटी है सीटेट पे। और बताओ सर एमआरएस एग्जाम, एमआरएस एग्जाम को लेकर ये है इन्फॉर्मेशन कि दिसंबर लास्ट में होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही थी, अभी दिसंबर आने वाला है तो अभी इन्होंने कुछ डाला ही नहीं है, दिसंबर जनवरी कौन से महीने में हो क्लियर नहीं कर सकते, बाकी ओरिजिनल नोटिफिकेशन वहीं से आना जो भी आना है। डीएसएस भी वगैरह की वैकेंसी अभी जैसे नोटिफिकेशन आया छोटा सा, और भी आएंगी, तो थोड़ा सा इस लाइन में जुड़े रहिए आप, यदि आरपीसी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड कर रहे हैं ना तो डीएसएस भी केवीएस की अपने आप हो रही है, राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी सेम सिलेबस है, पेडागोजी मेथड्स, मतलब अपने आप को अभ्यास में रखें। मैं नहीं कहता कि 14 घंटे पढ़ना है, मैं तो केवल 8 घंटे बोल रहा हूँ, 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, मैं 6 घंटे बोल रहा हूँ, 6 और पढ़ लो यार, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ लो, रिलैक्स होके पढ़ लो, प्रेशर लेके मत पढ़ो, दीपावली खराब, नया वर्ष खराब, शादी खराब, वो खराब, पड़ोसी खराब, दोस्त खराब, सब धोखेबाज, कोई अपना नहीं है, इन विचारों से बाहर निकलिए, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़िए, 6 घंटे भी बहुत होते हैं सही तरीके से पढ़ोगे। आ रही बात समझ में सर? मन नहीं लगता स्टडी में बेटा।